रॉयल्टी में 5 गुना वृद्धि किए जाने, पंजीकरण और नवीनीकरण में नियमों के बदलाव किए जाते समय वृद्धि और समय पर निर्माण कार्यों का भुगतान न किए जाने के विरोध में कुमाऊं मंडल के ठेकेदार प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ठेकेदारों की ने मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए संगठन की एकजुटता पर बल दिया, जिसको लेकर हिमालय वेलफेयर कॉन्ट्रैक्टर सोसाइटी ने बैठक आयोजित की, जिसमें कुमाऊं भर के ठेकेदार मौजूद रहे। साथ ही आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान ठेकेदारों ने कहा कि 5 गुना रॉयल्टी के फैसले को वापस लेने समय 4 सूत्रीय मांग पूरी नहीं की गई तो आपदा में निर्माण कार्य ठप्प करने की बात कही। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मंडल स्तरीय हमारी कुमाऊं की बैठक थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जल्दी हमारी मांगें रॉयल्टी, एक्स्ट्रा आइटम, वेरिएशन, पंजीकरण, जो भी हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं की गई। सारे ठेकेदार अपने निर्माण कार्य बंद करके, अपनी मशीनें बंद करके, आपदा काल के जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, सारे काम बंद कर दिए जाएंगे।